नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप एक नया वीडियो में। और आज है अल कुहेजी कंपनी बहरीन का क्लाइंट इंटरव्यू, जिसमें बहुत सारे लड़के आए हुए हैं, शटरिंग कारपेंटर, मेसन, हेल्पर और स्कैप फोल्डर, वॉल पेंटर। तो आज आपको मैं दिखाऊंगा कि अल कुहेजी कंपनी बहरीन का क्लाइंट इंटरव्यू कैसे होता है और सैलरी कितना मिल रहा है भाइयों को। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। नाम क्या है? राकेश सिंह। अभी आप क्या काम के लिए एंट्री देने के लिए आए? हेल्पर का। आप तुम्हारा सैलरी रहेगा 10 घंटा का 105 दिनार। 10 घंटा काम करेगा ना, तुम्हारा सैलरी 105 है। उसके बाद में काम करेगा तो और टाइम है, जुम्मा काम करेगा तो और टाइम है। और खाना के लिए कंपनी अलग से पैसा नहीं देगा, इसी में आपको खाना खाना है। ओके, एक गुनी उठाओ, इधर लेके जाओ, इधर से आने का टाइम ऐसा ले। आने का ऊपर डालो, ऊपर डालो। हाँ ले लो, ये गुनी फट गया। ओके रखो, रखो। क्या नाम है आपका? क्या बोला? अभी आप क्या काम के लिए आए थे टेस्ट लेने के लिए? कितना सैलरी बताया आपको? देखो तुम्हारा सैलरी है 10 घंटा का 105। 10 घंटा के बाद में काम है तो ओवर टाइम है, जुम्मा को काम करेगा तो ओवर टाइम है। खाने के लिए कंपनी अलग से पैसा नहीं देगा, इसी में आपको खाना खाना है, ठीक है ना। ये गुनी उठाओ, इधर लेके जाओ, ऊपर से इधर लेके जाओ। ओके, नीचे रखो, नीचे रखो। अभी आने का टाइम है, ऐसा लेके आओ गुनी को। हाँ लेके आओ, इधर रखो। ओके, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। इधर क्या काम के लिए आया? लेबर के लिए। अभी देखो तुमको हेल्पर का जो भी हमारा जूनियर फोरमैन बोलेगा, जो भी काम है करने का है, 10 घंटा का सैलरी 105 है। खाने के लिए अलग से पैसा नहीं देगा आपको। और जुम्मा को काम है, 10 घंटा के बाद में काम है तो और टाइम, ठीक है ना। ये गुनी उठाओ, उधर लेके जाओ, उठाओ इसको। चलो बाबू, बस स्टॉप, आ जाओ। आराम से नीचे रखिए। रुको रुको, एक मिनट रुको। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार निशा। अभी आप क्या इंटरव्यू देने के लिए आए? कौन सा ट्रेड का इंटरव्यू देने के लिए आए? शटरिंग कारपेंटर। विदेश में काम किया? हाँ। कितने साल काम किया? किया 28 महीना। हाँ। और कतर 3 साल किया, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ उसमें काम बंद हो गया, चलाया। ओके, अभी आप यह क्या बना रहे हैं? कॉलम बना रहे हैं। कॉलम बना रहे हैं ना। देखो तुम्हारा 8 घंटा सैलरी का, 8 घंटा ड्यूटी करेगा उसका सैलरी तुम्हारा 105, 110, 120, 115, तुम जैसा भी काम करेगा उसी के हिसाब से तुम्हारा सैलरी लगाएंगे। 8 घंटे के बाद में ओवर टाइम है, जुम्मा को काम करेगा तो भी ओवर टाइम है। सैलरी से तेरे को खाना खाना है, कंपनी से ले और पैसा नहीं देता है खाने के लिए, हाथ से बनाना पड़ेगा। हाँ, हाथ से बनाना बेस भी है, पर पैसा तुम्हारा सैलरी से देना है। अच्छा, कंपनी खाने का पैसा नहीं देगा, ठीक है ना। ये बनाओ, स्वेटर बनाओ, हम देखेंगे। एक कलोड़ी का वो सब है, सब है। हाँ मारो स्वेटर, मारो। हम बोलिए ठीक। कितना है?
41 ओके इधर भी 41 इधर शॉप इधर अभी इधर क्या काम का टेस्ट देने के लिए आया विदेश में काम किया कितने साल किया 9 साल राम सागर अभी क्या करने के लिए आया इधर ट्राई करने के लिए आया सेटिंग का विदेश में काम किया कितने साल काम किया 8 साल काम किया अभी तुम इधर क्या बना रहे अभी कॉलम बना रहा है ना देखो हमारा कंपनी का सैलरी रहेगा आपको 110, 115, 120 अभी तुम जैसा काम करेगा ना उसी के हिसाब से हमारा सैलरी रहेगा खाने के लिए हमारा कंपनी अलग से पैसा नहीं देगा आपको सैलरी से ही खाना है और 8 घंटे के बाद में तुम काम करेगा उसका ओवर टाइम है जुम्मा को भी काम करेगा तो ओवर टाइम है ठीक है ना मारो तुम 17 मार दे देंगे उन लोग कैसा मारो मुश्किल नहीं है अभी तो चलो शाबाश मारक दो नीचे रखो रखो इधर लेके आओ अब फिर उठाओ वेरी गुड रखो आरी मारो इधर क्या टेस्ट देने के लिए आया बेसन का बेसन का क्या क्या जानकारी है ताबू पलस्तर ये काम मालूम है जी विदेश में कितना साल काम किया कतर में 5 साल और दुबई में 4 साल 4 साल जी तो देखो अभी हमारा कंपनी का सैलरी रहेगा तुम्हारा 115, 120 तुम अभी जैसा काम करेगा उसी के हिसाब से हम बताएंगे आपको सैलरी 8 घंटा ड्यूटी है 8 घंटे के बाद में काम है तो ओवर टाइम है जुम्मा को काम करेगा तो ओवर टाइम है खाना तुमको ये सैलरी से ही खाना है खाना अलग से नहीं है ठीक है ना मारो यह है हरि महतो मेसन आप अभी क्या एंट्री देने के लिए आए हैं वॉल सेंटर का विदेश में काम किया है क्या सऊदी अरब में 4 साल दुबई में 2 साल और इंडिया में इंडिया में 20 साल सब 20 साल हो गया अभी देखो हमारा कंपनी में तुम्हारा सैलरी रहेगा 110, 115, 120 कितना लगाएंगे कैसा काम करेगा उसी के हिसाब से 8 घंटा ड्यूटी है 8 घंटे के बाद में काम है तो ओवर टाइम है जुम्मा को काम करेगा तो ओवर टाइम है खाने का हमारा कंपनी अलग से पैसा नहीं देगा आपको सैलरी से खाना है हाँ उसी में खाना है आप कुटी मारो हम देखेगा कैसे तो
बस रहा तो अभी क्या काम के लिए आया? हेल्पर के लिए। और तुमको सैलरी बताया कितना है? 105 दिनार। 105 10 घंटा ड्यूटी है प्लस ओवर टाइम है। जुम्मा को काम है तो ओवर टाइम है। खाना इसी के अंदर खाना है, खाने के लिए अलग से पैसा नहीं है। ठीक है ना? उठाओ उधर जाओ, उधर से इधर लेके आओ। उठाओ कंधे पर रखना इसको। शाबाश, चलो कॉफी कर लो भैया, टाइम हो गया, फ्लाइट का टाइम हो गया, फोटो कॉपी कर लो, इसके लिए कर लो। बस नीचे रख दीजिए। लेने के लिए आया? कितना तन का बताया आपको? 105। कितना घंटा का? 10 घंटा का 105 है। उसके बाद में काम है तो ओवर टाइम है, जुम्मा को काम है तो ओवर टाइम है। खाने के लिए कंपनी अलग से पैसा नहीं देगा, इसी से खाने का आपको। ओके, ये घूमी उठाओ, उधर लेके जाओ, उधर से इधर लेके जाओ। शाबाश, खाने आओ। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा और कुहेजी के क्लाइंट कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सबका धन्यवाद।